मेरा नाम अमित राठौर है और मैं भारतीय राष्ट्रवादी दल से राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज हम लोग SP ट्रैफिक जी के यहाँ आए हुए हैं क्योंकि हमारे संज्ञान में काफ़ी दिनों से आ रहे हैं TSI हैं लखपत सिंह जी। ये लोगों से अभद्रता कर रहे हैं, चेकिंग के नाम पर गुंडागर्दी कर रहे हैं, रिश्वत मांगते हैं, ना देने पर लोगों को भड़काते हैं, गंदी गंदी गालियाँ देते हैं और मारपीट करने की नौबत करते हैं। कल भी हमारे संज्ञान में एक मामला आया, मोनू राठौर नाम का व्यक्ति जो है निकल के जा रहा था वहाँ से और उसको रोका हेलमेट ना होने के कारण, और ऐसा ना होने पे चालान करना चाहिए था लेकिन उन्होंने चालान की जगह पे 1000 रुपये रिश्वत मांगी, जो ना देने पर उसको गंदी गंदी गालियाँ दी और चौकी में बंद करने के मारने को कहा और कहा अगर दोबारा गाड़ी चलाते हुए यहाँ दिखा तो मैं तो उठा के बंद कर दूंगा। जब वहाँ राहगीर पहुँचे तो उन्होंने उसका मोबाइल और चाबी उसको दी और वहाँ से धक्का मार करके भगा दिया गया। ये चौकी चौराहे की लगभग 1 बजे की घटना है। लखपत सिंह SP सिटी साहब ने हमें वो आश्वासन दिया है कि जांच कराकर हम उनके ऊपर उचित कार्रवाई करेंगे और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो भारतीय राष्ट्रवादी दल उग्र प्रदर्शन करने को बाध्य होगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी यातायात पुलिस की होगी। यहाँ पर आए थे और अपनी समस्या को काफी परेशान नजर आ रहे हैं, क्या मामला है? कुछ लोग यहाँ आए हैं, उन्होंने एक एप्लीकेशन दी है और हमारे एक कांस्टेबल TP है लखपत सिंह, ये उन्होंने कहा है कि कल चेकिंग के दौरान उनके द्वारा जो गतिविधि की गई है, मैं वहाँ पे CC कैमरे भी लगाया, मैं इसको CU ट्रैफिक को जांच देता हूँ, जहाँ तुम जो चीज़ निकल के आएगी उस हिसाब से कार्रवाई। सर कुछ लोगों का आरोप है कि यहाँ पर तुरंत ही हमें अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है और वहाँ पर कोई नियम कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, फिर भी यहाँ पर कोई नहीं सुनता, क्या मतलब है? मैं आपका प्रश्न नहीं समझा, कौन नियम कानून का उल्लंघन कर रहे हैं? आप पहले क्वेश्चन इसको रोक दो, क्वेश्चन पहले सही कर दो। कुछ लोगों का ये आरोप है कि वहाँ पर सुनते नहीं है, कुछ नहीं करते और ऐसे ही चालान काट देते हैं। आप बात लिखिए, ऐसा कहना गलत है। चेकिंग बहुत शालीनता से यहाँ की जा रही है, ना ही हमने बहुत अधिक प्रेशर बना रखा है। चेकिंग होती है, चेकिंग के दौरान जो हमारे DG साहब के निर्देश हैं उसके अंतर्गत हम लोग चेकिंग कर रहे हैं और ना ही इसमें कहीं कोई जाति हो रही है। अगर कहीं कोई लाता है कि जाति हो रही तो उसकी हम जांच करा लेंगे। हमारे पिछले महीने इसलिए अगस्त के महीने में हमारे बहुत अधिक चालान थे जो लगभग 25,000 के लगभग थे और जबकि सितंबर में हमारे 6,000 चालान हुए। लोगों ने नियम कानून का पालन करना भी शुरू किया है, यही वजह है कि कम चालान भी।